ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ा सवाल तो यह है कि बातचीत से क्या बात बनेगी, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार ने इस पूरे मामले से जिस तरह से निपटा वो तरीका ठीक था, उस पर सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, आपने सुना प्रवीण अत्रे ने क्या कुछ कहा, सरकार ने इस मामले में तानाशाही की है, इस पूरे मामले पर ठीक ढंग से सरकार नहीं निपटी है। देखिए, मुझे दोनों जो हमारे प्रतिपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं उनकी बातें हास्यास्पद इस मायने में लगती हैं कि प्रवीण अत्रे उस पार्टी से आते हैं जो एक परिवार की तानाशाही के तहत चलती रही है, वो हम पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी नहीं सर, इस विषय से सरकार कैसे निपटी? और कांग्रेस सुन लीजिए, एक एक क्षण मुझे मेरा उत्तर देने दीजिए। दूसरी तरफ वंदना पोपली जी कह रही है कि निजीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़ा गलत हो रहा है। निजीकरण का सिलसिला, प्राइवेट सेक्टर को अवसर देने का सिलसिला, विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का सिलसिला, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। एक और बात मैं और खासतौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर मामले में हमने केवल बिजली निगमों के 23 सबडिविजन में और उनमें 23 में भी केवल मेंटेनेंस का काम, उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट करने का काम किया है। वंदना पोपली जी तो उस पार्टी से आती हैं जिनकी दिल्ली में सरकार थी 15 बरस, और उन्होंने पूरी तरह दिल्ली में बिजली का निजीकरण किया, निजी कंपनियों को सौंपा। तीसरी बात ये कि निजीकरण अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल कोई अपराध नहीं है। निजीकरण से कंपटीशन आता है और प्रतिस्पर्धा में से आम उपभोक्ता, लेकिन सर कहा तो जाता है कि जब आप विपक्ष में थे आप विरोध करते थे। सर कहा जाता है कि जब आप विपक्ष में थे तो आप विरोध किया करते थे। हाँ, उसका उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब प्रतिपक्ष में थी तब भी और आज भी किसी भी विभाग या निगम के अंधाधुंध बिना सोचे समझे निजीकरण के खिलाफ है। यहाँ पर कोई निजीकरण उस रूप में हो भी नहीं रहा जिसको हम अंधा निजीकरण कहें। आप हरियाणवी को बिजली की सुविधा बेहतर मिले, मेंटेनेंस त्वरित गति से हो, आपकी बिजली खराब हो जाए तो झट से उसको ठीक करने के लिए कोई आ जाए। मेंटेनेंस का काम इस विचार के साथ 23 सबडिविजनों का हमने आउटसोर्स करने का ये योजना बनाई है, उस पर काम शुरू किया है। आम आदमी के हित में उठाए गए कदम को हमारे प्रतिपक्षी केवल और केवल राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या आप वीरेंद्र जी आप उसको उसको मिलने वाली बिजली की सुविधा में बेहतरी के खिलाफ है क्या? क्या वीरेंद्र जी आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्घटना के बाद बचाव के लिए भागती है? यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे कि आप जो नीति है उसको लेकर आ रहे हैं। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली की कंडीशन अलग है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है। चलिए, आप उसके बाद दावे सुशासन के करते हैं लेकिन मुद्दा व्यवस्था का है। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप सहूलियत लाना चाहते हैं लोगों के लिए, तो आप मुझे बताइए क्या बिजली कर्मचारी यहाँ के नागरिक नहीं है? आप ये देखिए, अघोषित इमरजेंसी की कंडीशन आपने ला दी, आपने एस्मा लगाया, धारा 144 लगाई। आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े गर्व से कहते थे भाइयों और बहनों, क्या ये भाई बहन नहीं है? उनके बारे में कौन सोचेगा? अगर कोई सिचुएशन है तो उसको सॉल्व करेंगे या नहीं, या सीधा एस्मा लगा देंगे? चलिए, अब आप बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं बातचीत के? बातचीत के दरवाजे नहीं खुले हैं, बाहर जाने के लिए दरवाजे खुले हैं, बिजली कर्मचारियों को बाहर भेजने के दरवाजे खुले हैं। मैं उत्तर देता हूं। हमने एस्मा लगाने से पहले बात की, बात अब भी कर रहे हैं। ये बात वंदना पोपली जी आप समझ लीजिए, अपने तथ्यों को ठीक कर लीजिए। रही बात बिजली कर्मचारियों के हमारे भाई बहन होने ना होने की, किसी ने कहा क्या कि वो हमारे लोग नहीं है? हमारे लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे हरियाणा के नागरिक हैं, तभी तो हम उनसे बात कर रहे हैं। परंतु वंदना जी, मुझे प्रवीण अत्रे के पास भी लौटना है और मैं आनंद शर्मा के पास भी आऊंगा। वीरेंद्र जी एक मिनट का मुझे वक्त दीजिए। प्रवीण जी, आपने सुना जो आपने आरोप लगाए थे उस पर अब जो वीरेंद्र सिंह चौहान ने जवाब दिया है, निजीकरण जो है वो इसलिए भी ठीक है कि कंपटीशन आएगा और जो व्यवस्था है वो सुधरेगी बिजली के क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहली बात कर्मचारियों से काहे बगाए ये कहते सुना है कि सरकार एक डिवीजन हमें दे, एक डिवीजन ठेकेदार को देखे, देखे देखते सर्विस कौन बेटर देता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप निजीकरण करते हो, जिस कंपनी को आप ठेका देते हो वो ठेका
हर सेवा करने नहीं आए, प्रॉफिट कमाने आएगी, तो आप उसकी जेब में डालो और किसके ऊपर पड़ेगा तो के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे कुछ नेताओं के निजी व्यापारिकों की पूर्ति की वजह से निजीकरण किया जा रहा है। और सबसे विडंबना देखिए इस प्रदेश की क्या है, जिनको अभी चौहान साहब अपने कर्मचारी कह रहे थे, 462 कर्मचारी चौहान साहब पहले निकल चुकी सरकार, जिनको आपने रोजगार देने का किया उन लोगों को आप बेरोजगार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था, अरे जो विभाग पहले कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, बजाय उस विभाग में आप कर्मचारी रखे, युवाओं को रोजगार दे और उन कर्मचारी से व्यवस्था ठीक करवाए, आप वो करने की बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखा के बेरोजगार कर रहे हैं। और ठेकेदारों को प्रॉफिट कमाने के लिए आप निजीकरण के नाम पे लेके आ रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वही लोग हैं, अगर आपको याद होगा अभी पीछे सरकार ने कहा था कि साहब हम आउटसोर्स तो ठेका प्रणाली के विरोधी हैं, और आज यही लोग अपने व्यक्तिगतों की पूर्ति के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं और ठेका प्रणाली को बढ़ावा भी दे रहे हैं। ठीक ठीक, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास आऊंगा, आप सबके सवालों के जवाब दीजिएगा। अभी हम आनंद शर्मा जी से भी जवाब ले लेते हैं। आनंद जी ये बताइए कि जो बात वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कंपटीशन वाली, स्थिति सुधरेगी और क्योंकि लाइट जाएगी तो फौरन जो दिक्कत है वो ठीक होगी, इसलिए इस दिशा में बढ़ा जा रहा है। मेरा ये कहना है इस पर, जो चौहान साहब भी कह रहे हैं और वंदना जी भी कह रही हैं और वो दूसरे साथ भी कह रहे हैं, जब जो बिजली है, बिजली के बगैर आज किसी का काम नहीं चलेगा। ठीक, लेकिन जो व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं वो चंद घरानों के लिए रह जाएगी, आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। क्योंकि 98 की अगर हम बात करें, जब बिजली का जो रेट था 80 पैसे से 3 रुपये का रेट था, और 98 से 16 तक 3 रुपये से 9 रुपये का रेट हो गया बिजली का, और घरेलू और गैर घरेलू समाल पावर कनेक्शन 30 रुपये में, 345 में, 695 रुपये मिलते थे, जो अब 500 से 1000 और 1350 रुपये हो गया। आज बिजली का कनेक्शन अगर ले हैं तो 2.5 लाख से 4 लाख रुपये कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन के लगते हैं, और उस मौके पर ये सारा 275 रुपये में कनेक्शन मिलता था ट्रैक्टर ट्यूबवेल का। और ये जब कर्मचारियों की संख्या हरियाणा में 50,000 थी और कनेक्शन 20 लाख थे, आज मतलब 25,000 मतलब कर्मचारी रह गए पूरे हरियाणा में, और कनेक्शनों की संख्या कई गुणा बढ़ गई, वर्कलोड बढ़ गया। और जो जिस आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की है, तो कांग्रेस रही, इनेलो भी रही और दूसरी भी रही, और आज बीजेपी पहले बंसीलाल के साथ आई, फिर चौटाला के साथ आई, और अब पूर्ण बहुमत से आ रही है। जो ठेके का कर्मचारी है, 752 कर्मचारी कबूतर और कौवा की तरह बिजली की लाइन पर लटक कर मर गए। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, ठेकेदार ने पल्ला झाड़ लिया, हमारा कर्मचारी नहीं है। और 5 करोड़ का घोटाला पीएफ का, जो मजदूरों से काटा गया, कर्मचारियों से, ठेका कर्मचारियों से, और सरकार से जमा 13.9। ठीक है, ठीक है, वो तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगा जो यहाँ पर आनंद शर्मा ने उठाए हैं। जी चौहान साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा, सबने जो बातें कही हैं उस पर आपसे जवाब लूंगा। एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या कर्मचारियों के साथ यहाँ पर जो रवैया अपनाया गया उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको और बेहतर सुविधा दें? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।